हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं मंजर हसन अरबी मुअल्लिम के हैसियत से आपके सामने हाजिर हुआ हूं और आज आप देख रहे हैं स्कॉटिश पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास। तो प्यारे अजीज तलबा, मैं आप लोगों को पता है, मालूम है कि सप्ताह में एक रोज आप लोगों का अरबी भी है, जो हमें अरबी सीखना जरूरी भी है। तो मैं आज आप लोगों को अरबी पढ़ाने जा रहा हूं। उम्मीद है कि अरबी भी आप लोग ध्यान से पढ़ते होंगे और अगला मंथ टेस्ट एग्जाम में आपका अरबी का भी क्लास लिया जाएगा, ये अरबी का भी टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको लूंगा इंशाल्लाह। तो प्यारे बच्चों, अरबी दिनियात हमारा एक क्या है, सीखना भी जरूरी है कि हदीस के अंदर आता है तलबुल इल्म फरीजतुन अला कुल्ली मुस्लिमुन व मुस्लिमतुन, के इल्म का सीखना हर मर्द औरतों पर फर्ज है। इल्म का सीखना हर मर्द औरतों पर क्या है, एक तरह ये फर्ज है। जैसे आपके अंदर नमाज फर्ज है, आपके अंदर रोजा फर्ज है, आपके ऊपर जकात फर्ज है, आपके ऊपर हज फर्ज है, आपके ऊपर क्या है, कलमा ईमान लाना जरूरी है। ऐसे ही आपको दीन इस्लाम भी सीखना आपके ऊपर फर्ज है। ठीक, तो आपको सीखना जरूरी है। इंशाल्लाह ऑफलाइन क्लास होगा तो मैं आप लोगों को नमाज पढ़ने का भी तरीका बताऊंगा और अरबी पढ़ने का भी, कुरान शरीफ किस तरह पढ़ा जाता है, और जो बच्चे कुरान शरीफ नहीं पढ़े उसको सिखाया जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, आज आपको दीनियात पढ़ा रहा हूं, हलाल व हराम चीजों का बयान, हलाल व हराम चीजों का बयान। तो प्यारे बच्चों, जो जानवर और जो परिंदे शिकार करके खाते पीते रहते हैं या उनकी गजा यानी खुराक खाना फकत गंदगी है, उनका खाना जायज नहीं। मसलन आप ये भी समझ लीजिए, जो जानदार या परिंदा अपने पांव से दबा करके अपना खुराक खाए, आप बहुत जानवरों को देखे होंगे, कौए को देख लीजिए, कौआ क्या करता है, अपना किसी चीज को पकड़ के ले जाता है, घास पे बैठता है, ठाल पे बैठता है, अपने पांव में दबोचता है और अपने चोंच से छीट के खाता है। ठीक है, ऐसे ही शेर क्या करता है, अपने पांव से दबाता है, चीर फाड़ करके खाता है। तो जो जानवर चीर फाड़ करके खाता है तो उसका खाना हमारे लिए हराम है। जैसे शेर, भेड़, भेड़िया, गीदड़, कुत्ता, बंदर, शिकरा, बाज, गिद्ध, क्या है, बाज, गिद्ध वगैरह, क्या है वगैरह। और जो ऐसे ना हो जैसे तोता, मैना, आपके तोता और मैना जो है वो अपने पांव से दबोच कर नहीं खाता। तोते को देखिएगा कि ऐसे आपका अपने चोंच से छीट छीट कर फाड़ फाड़ के खाता, निकाल के खाता है। मैना भी अपने पांव से दबाता नहीं, उसको ऐसे ही निकाल के खा लेता है। ठीक है, मुंह से वगैरह। और जो ऐसे ना हो जैसे तोता, मैना, फाख्ता, चिड़िया, बेटर, मुर्गा भी, कबूतर, नीलगाय, हरन, बत्तख, खरगोश वगैरह, सब जायज है। क्या आपका, जैसे तोता, मैना, फाख्ता,
चिड़िया, फाख्ता समझते हैं जिसको हम लोग बन कबूतर बोलते हैं, जिसको पाणकी बोलते हैं, फाख्ता चिड़िया, बेटर, मुर्गा भी, कबूतर, नीलगाय, हरन, बत्तख, खरगोश वगैरह सब क्या है हमारे लिए खाना, हमें जायज है। बच्चों गोह, कछुआ, भेड़िया, खच्चर, गधा, गधी का गोश्त खाना और गधी का दूध पीना दुरुस्त नहीं है। क्या है मसला? गोह यानी एक होता है सांप, चार पहिया सांप यानी जिसको बोलते हैं गूही सांप, हम लोग पशुपालन बोलते हैं। कछुआ, जो कछुआ देखे ना, जो कछुआ के चाल चलता है, कभी सर अपना सर निकालता है, फिर घुसा लेता है, फिर निकालता है, ऐसे निकालता है, ऐसे पकड़ लेता है, घिसा लेता है, तो वो भी भेड़िया, भेड़िया जो चीरफाड़ के खाता है। खच्चर, गधा, गधी का गोश्त खाना और गधी का दूध पीना दुरुस्त नहीं है। नहीं, घोड़े का खाना जायज है लेकिन बेहतर नहीं है। घोड़े का खाना दुरुस्त है लेकिन बेहतर नहीं है। दरियावी जानवर में से फकत मछली हलाल है, बाकी सब हराम है। दरियावी जानवर में सिर्फ मछली हमारे लिए हलाल जानवर है, हलाल हलाल है, बाकी सब क्या है हमारे लिए हराम है। क्या है? हराम। मसला मछली और टिड्डी बगैर जबह किए हुए भी खाना दुरुस्त है। मछली और टिड्डी बगैर जबह किए हुए भी खाना दुरुस्त है, सिवा उसके और कोई जानदार चीज बगैर जबह किए खाना दुरुस्त नहीं। क्या है? टिड्डी और मछली के अलावा कोई जानवर मुझे क्या, टिड्डी बगैर जबह किए हुए खाना भी दुरुस्त है, सिवा उसके और कोई जानदार चीज बगैर जबह किए खाना दुरुस्त नहीं। जब कोई चीज मर गई तो हराम हो गई, जब कोई चीज मर गई तो हमारे लिए क्या हो गई? हराम हो गई। मसला, जो मछली मरकर पानी के ऊपर उल्टी तैरने लगे, जो मछली मरकर पानी पर उल्टी तैरने लगे, देखे मछली ऐसे तैरती है लेकिन जब वो बीमार हो जाए या कुछ हो जाए तो ऐसे तैरना शुरू करता है, चीत होकर तैरना शुरू करता है, उस मछली के बारे बताया जाता है। जो मछली मरकर पानी के ऊपर उल्टी तैरने लगे उसका खाना दुरुस्त नहीं। उसका खाना, ये खास कर याद रखिएगा, ठीक है? जो मछली मरकर बीमारी नहीं, जो मछली मरकर पानी के ऊपर उल्टी तैरने लगे उसका खाना दुरुस्त नहीं। ओजरी खाना, मसला, ओजरी समझते हैं ना, भूटी को ओजरी बोलते हैं। ओजरी खाना हलाल है ना हराम ना मकरू। ओजरी खाना हलाल है ना हराम ना मकरू। क्या है? ठीक है, आपका दीनियाद आज आपका यहीं तक रहा, आगे मैं फिर दे रहा हूं आपको, थोड़ा अरबी के बारे बता रहा हूँ कि अरबी कैसे पढ़ा जाता है, क्या है नहीं है, कायदा कवायद बता रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको हुरफे मद्दा के बारे बताया था। हुरफे मद्दा कितने हैं? हुरफे मद्दा 3। क्या है हुरफे मद्दा? 3 है। कितना है? 3 है। कितना? 3 है। हुरफे मद्दा कितने हैं? 3 है। तो इसको बताया था, आपको बताया था कि हुरफे मद्दा 3 है। अलिफ मद्दा, वाहु मद्दा, वाहु मद्दा, अलिफ मद्दा है ना, वाहु मद्दा, उसके बाद या मद्दा, कितना है? या मद्दा,
जैसे अब आपको अलिम मद्दा भी बता चुका था, तो अब या मद्दा में आ जाइए। तो अब मैं आपको या मद्दा बताता हूं। ये या हो गया, या के ऊपर क्या है, छोटा सा जज्म दिया, या मद्दा है ना, या साकिन उसको बोलेंगे। क्या बोलते हैं? या साकिन बोलते हैं। या साकिन से पहले जेर हो तो उसे या मद्दा कहते हैं। या साकिन से पहले जेर हो तो उसे क्या बोलेंगे? या मद्दा बोलते हैं। जैसे आप बताइए, क्या हो गया? देखिए हमजा के बाद पेश हो गया। आपको बोले थे कि अलिफ नहीं रहता है, वो जबर जेर पेश कुछ उसके अलिफ के ऊपर हो जाता है, वो हमजा बन जाता है। ठीक है, याद रखिएगा सब कायदा है। यानी जिस तरह ग्रामर आप इंग्लिश हिंदी का ग्रामर पढ़ते हैं, ये अरबी का कुरान से पे ग्रामर है। ठीक है, ओ जी हमजा के ऊपर पेश, हमजा पेश, ओ जी मियाजर जी, क्या हो गया? उजी वापिस बु उजीबू। तो इसका कायदा क्या होगा? हमजा के ऊपर पेश है, पेश को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे मारो, पढ़े मंजूल आवाज से बचे। जीम या जेर जी, जीम के नीचे जेर है, या के ऊपर जज्मा है, जज्मा वाले हर्फ को पिछले वाले हर्फ से एक मरतबा मिला के पढ़ेंगे, है ना, मिला के पढ़ेंगे ना। अच्छा, या साकिन से पहले हमजा के ऊपर पेश है, पेश को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे मारो, पढ़े मंजूल आवाज से बचे। तो या साकिन से पहले जेर है इसलिए या मद्दा होगा। या मद्दा को एक लिप के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, जैसे उजीबू। क्या पढ़ेंगे? उजीबू। उजीबू नहीं पढ़ेंगे, उजीबू, है ना, उजीबू। अब देखिए, यू है ना, क्या है? यू। क्या हो गया? युवा, युवा। क्या हो गया? युवाड़ी। आप इसमें बताइए कि इसमें आप टास बना के भेजेंगे, ठीक है, इसको आप निशानदेही बताएंगे या मद्दा कौन होंगे। आपका या मद्दा ये है, जैसे मिसाल के तौर पे आपका या मद्दा ये इस तरह आप लिख लेंगे। लिखने के बाद आप इस तरह या मद्दा ये है ना आपका या मद्दा, तो या मद्दा इस तरह करके आप या करके तीर मार करके मद्दा लिख देंगे। क्या? या मद्दा ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब युवाड़ी में कौन सा या मद्दा है? या साकिन से पहले जेर है इसलिए या मद्दा होगा। तो या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे, तो या साकिन यह है, या के ऊपर जज्म है ये, ठीक है, और रा के नीचे जेर है, तो या साकिन से पहले जेर है, या साकिन से पहले जेर है इसलिए या मद्दा होगा। या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है? मफा, सॉरी, क्या है? मफा, क्या है? मफा, ये तेज जेर है। क्या हो गया? मफा तीहू। साफ साफ लिख देता हूं, सुधने कहिएगा कि बाना। ये इजी है ना, ठीक है। मफा तीहू, क्या हो गया? मफा तीहू, मीम जबर मा फा, मफा तीहू,
या साकिन, ये या साकिन आपका हो गया, ये या साकिन हो गया ना, या इससे पहले शेर है इसलिए क्या होगा या मद्दा होगा। या मद्दा को एक लिप के बराबर खींच कर पढ़ेंगे मफातिहो, ठीक है। उसके बाद राज़िक़ीन, क्या हो गया राज़िक़ीन, तो रा क्या है इसमें कौन सा कायदा पाया जाएगा आपको, खर कायदा लिखना है यहाँ, अलिफ मद्दा पाया जाएगा, अलिफ मद्दा लिखना है इस तरह, अलिफ मद्दा लिख देना, अलिफ मद्दा, यहाँ कौन सा या मद्दा, तो या मद्दा लिख देंगे, या मद्दा, ठीक है, इस तरह लिख करके भेजेंगे, ठीक है, बना के भेजेंगे, ठीक है। आज का आपका सबक अरबी यहीं तक रहा, खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। आप बच्चे, आप तमाम बच्चे इस नाचीज बंदे के लिए आप लोग दुआ में याद रखेंगे, ओके बाय, गुड।